से कल का व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और इस आदमी ने फिर से धोखा दे दिया है, ठीक है, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड और सौम्य के भी दर्द हो रहा है दांत में, तो फिर हम बाहर नहीं जा सकते ऑलिव को लेके। तो बस अब कल सुबह व्लॉग स्टार्ट होगा दोबारा से, कपड़े वपड़े बदल के आ जाते हैं, अब नॉर्मल हो जाते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह। कल जाएंगे हम ड्रॉप इन, पक्का ड्रॉप इन पिछले जा रहे हैं कल। शाउट आउट जो भी देख रहा है, कल ड्रॉप इन आ जाओ वीडियो तीन कॉल। व्लॉग पिछले तीन व्लॉग ड्रॉप से इन माने स्टेट से अंदर, हयात ने रेसिडेंसी रोड पे दस दस पिछले किलो कैच मी चीयर्स टुमारो देयर एट पिछले फोर अरे यार बोलने नाइनटी दो फाइव मिला दो पिछले मिला तीन व्लॉग से ये बंदा रोज मुझे बोल रहा है कि हम आज शाम चलेंगे, आज शाम चलेंगे। तो देखते हैं कल का भी इसे इंतजार बुला दो, करें, ऐसी भी रोज नहीं घोल शाम के पियो उसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? तो आज है 16th of Jan और थोड़े से सीन हैं जो ख़राब हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम ब्लॉग बनाते रहेंगे। ऑलिव को नहलाना है आज फाइनली, चाहे कुछ हो जाए मैं उसे नहला दूँगी, क्योंकि कल मिंकू भी नहा गया था। तो थोड़ी देर में दिन में धूप आई जाती है अच्छी वाली, तो हम नहलाएंगे ऑलिव को और उससे पहले करेंगे उसकी ऑयलिंग। तो चलो शुरू करते हैं। मस्त ऑलिव की मालिश हो रही है यहाँ पे तेल से, और देखना कैसे मज़े ले रही है ना ऑलू, है ना ऑलू, मज़े आ रहे हैं। अब इसे थोड़ी देर में 5-10 मिनट बाद इसे नहला देंगे। तेल तो मैंने इस पे लगा दिया अच्छे से, एकदम भाग गई। नहा के छंदे छंदे बन के आ गई है छत में, अभी जी पोछेंगे, पर उससे पहले पागल हो जाएगी ये बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सुम्मा अरे भैया बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों आज पहली बार धूप में। और मैं ड्रायर भी ले आई हूँ ये रहा, क्योंकि हवा भी चल रही है हल्की हल्की, तो पहले से ड्रायर से सुखा देते हैं, उसके बाद धूप में बैठी रहेगी फिर। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। नहा धो के सुंदर बच्चा बन चुकी है, लेकिन ये पोंछने नहीं देती है खुद को। क्यों सुंदर बच्चे? ऑलिव सुखाना तो देखो पड़ेगा, तो इसके सुखाने में बहुत ड्रामे होते हैं। रुको 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 मैडम ने तो तमाशा मचा रखा है, हाथ में आने रही है, वहाँ जाके बैठी हुई है, क्योंकि इसे पता है कि इसके साथ ड्रायर होने वाला है। इसे परेशानी हो जाती है ड्रायर करने से, थोड़ा सा तो करना तो पड़ेगा ही। अब समझ नहीं आ रहा है यार, तो धूप भी अब ठीक आ गई है, क्या करूँ। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, अगर चल जाता है काम तो। मैडम खेल खेल के थक गई हैं, अब भैया इसे पिला रहे पानी, और इतने आलसी हैं कि नीचे से डब्बा लाए लेकिन पानी नहीं लाए। ले ऑलिव, आ ले पानी पी ले। थक गई थी तुम, बस तुम थक गई थी है ऑलिव, तुम थक गई थी। कल तुम्हें तैयार करके घुमाने भी नहीं लेके गए ये राम। ऑलिव इतने दिन बाद नहाई है, उसे देखो कितने मजे आ रहे हैं, वो एकदम आराम से सो गई है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, सोती तो वो वैसे भी रहती है, लेकिन स्टिल आज उसे हल्का हल्का तो लग रहा होगा। मतलब ये मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, ऐसे होता है ना जब 1-2 दिन तक ना हो ना, और उसके बाद ना हो इंसानों के साथ। उसके साथ तो ऐसा हुआ है कि वो कब से नहीं नहाई है, तो हल्का तो लग रहा होगा उसे। तो मेरे से धूप में अब बैठा नहीं जा रहा है, मैं जा रही हूँ नीचे और बाकी कपड़े वगैरह सुखाते हैं, कपड़े धुलें फिर से आज, और मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो। वैसे तो घर पे कोई है नहीं, मैं और सौम्य ही है, तो क्या ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो भैया अपने कमरे में पड़े रहते हैं,
और मेरे को समझ नहीं आता मैं ऑलिव के साथ करूँ क्या। और अब्बू भैया का चल रहा है मैच। ओहो अब्बू भैया की बैटिंग चल रही है, देखो शायद ही अब्बू ही है, पहचान में भी तो नहीं आते, सारे एक से हो रखे हैं बच्चे। अब्बू अब आ गया है, तू दे मुझे तो इसके वो टर्म्स नहीं पता ना इतने। अब्बू आ गया है बैटिंग पे, क्रीज पे अब्बू है और यहाँ पे बॉलर हलक से बाहर आवाज निकालो, नाइजीरियन बॉलर है यहाँ पे, बहुत ही भयंकर लग रहा है मेरे को तो, पहली बॉल पे आउट होने की उम्मीद है आशंकाएं हैं काफी ज्यादा। चलो देखते और ये पहली बॉल, नाइस। लेकिन हवा तो नहीं बोलना था, धूप तो वैसे आ ही रही है लेकिन हवा भी चल रही है, इसलिए मैंने ओलिव को पहना दिया जैकेट और ये मस्त धूप में सो रही है। और हमारा लंच जो है वो नाना जी के घर से आ चुका है, तो मतलब दाल तो आ गई है, बस चावल बनाने हैं, मैं और सौम्या ही हैं घर पे, तो बस थोड़ी देर में लंच बनाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स मुझे लगता है नहीं कि आज व्लॉग कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दीदी उड़ जाओ, कितना सो गए, ठंडी तो देखो बहुत हो रही है। मेरा मैच तो बहुत अच्छा हुआ, तो फिर हम पहला मैच तो हम हमारी 3 मैच की सीरीज थी तो हम पहला मैच तो जीत गए। थैंक यू, ऐसी मेरी मदद करता रहे तू। अब थोड़ा सा बना ले। तो आज मैंने 14 रन मारे। अब वो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुझे पता है तो कितना काला आ रहा होगा। तो आज मैंने 14 रन मारे, वो पता है 112 के मैच में 116 के बच्चों को लेकर आ रहे थे, इतनी तेज तेज बॉल आ रही थी। मैं एक भैया थे बड़े से, मैं उनकी बॉल में आउट हुआ। मैंने नाश्ता कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ साइकिलिंग के लिए, क्योंकि हम हर रोज जाते हैं साइकिलिंग के लिए, कॉलोनी में ही साइकिल चलाते हैं हम। और मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा मेरे फ्रेंड्स और जहाँ पे हम साइकिलिंग करते हैं ना वहाँ पे दिखाऊंगा। तो मैं एक दिन जाऊँगा फ़ोन लेके और आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मिलते हैं वापस आने के बाद। तो अब्बू आ गया था मैच खेल के और हम सब सो रहे थे उस टाइम। अब्बू कैसा रहा तेरा मैच? बहुत अच्छा, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जीत चुके हैं। उन्हें कैसे पता होगा, उन्होंने तो देखा तेरे को वो सीरीज का पहला ही मैच हम जीत गए। उन्होंने तो तेरे को तब देखा जब तेरा क्लीन बोर्ड हो रहा था। अंडर 12 के मैच में अंडर 16 के लोग लेके आ रहे थे। अच्छा तो जैसे डाले थे मेरे को, तब देख लिया होगा अब्बू जीत गया। आज इतनी ठंड हो रही है ना, इतनी ठंड, बस क्या बताऊँ। मैं अभी अभी उठ रही हूँ, ये भी बहुत देर तक लेटा हुआ था मेरे पैरों के पास, फिर पता नहीं कब उठ के गया, लेकिन बहुत ठंड है। तो कल लास्ट काम है हमारा डॉक्टर के पास, फिर परसों हम निकल जाएंगे घर, तो देखते रहिए आप। और हाँ आज फिर से बहन दे दिया है धोखा, तो फिर देखते रहिए आप। आज के लिए इतना ही, अगर आपने इतनी वीडियो देख ली है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लेजिट पहाड़। थैंक यू।